welcome everyone so let's begin uh, today's lecture three of international finance okay. we discussed different methods of investment in a different country uh, एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप कहीं पर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है उनको परचेज कर लें उस केस में जो भी उनका बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उनके पास यूजो करना होगा उसी को यूज करना होगा या फिर इस केस में क्योंकि हमारे पास बहुत सारी संघ कॉस्ट और बहुत सारी और इन्वॉल्व नहीं होती तो ये कंपेरिटिवली हमें थोड़ा रीजनेबल कॉस्ट पड़ जाती है तो हमारी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और एक लास्ट ऑप्शन होती है यू गो ऑल इन एंड यू गो टू दैट कंट्री यू स्टेब्लिश योर ओन न्यू सब्सिडरी इन दैट कंट्री तो उसकी प्रॉपर आपको सारी की सारी कंसल्टेंसीज और सब किस्म की आपको फीस पे करके एक प्रॉपर अपना सब्सिडरी वहां पर स्टेब्लिश करनी होती है लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि ये टेलर मेड है टू योर नीड्स एंड डिमांड्स यहां पर जो इक्विपमेंट लगी हुई होगी वो आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ मैचिंग हो सकती है आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं चीजों को सो इट्स बेनिफिशियल इन दैट कॉन्टेक्सट के आप अपने हिसाब से अपना सब्सिडरी को डिजाइन कर सकते हैं और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है या जिस तरह के भी नेटवर्क हैं वो अपने अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डिवेलप किए जा सकते हैं रिलेटेड सिर्फ कैश इनफ्लोज एंड आउट फ्लोज है बट कैश इनफ्लोज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपके आउटफ्लो हो रहे हैं और फिर इनफ्लो आ रहा होता है ओके फाइन ठीक है सो अगेन इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली आप जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा होगा ठीक है अगेन एक है सिंपल एक्सपोर्टिंग का मॉडल एक फिर फॉरेन फॉर्म या गवर्नमेंट एजेंसी आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी या आपकी अपनी फॉरेन सब्सिडरी है अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी आ, ये जो है आपकी फॉरेन कंपनीज हैं एम हैं इस वक्त वो अपनी क्योंकि ये आमतौर पर यह करती हैं कि ये रेंट के ऊपर अपनी जो पेरेंट कंपनी है अपने प्रॉफिट्स को डॉलर्स में या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करके उस कंट्री में भेज देते होते हैं तो अभी डॉलर की शॉर्टेज की वजह से ये अपने जो पेरेंट कंट्रीज है वहां पर अपने अमाउंट्स को भेज नहीं सक रहे इसीलिए कई फॉरेन फॉर्म्स भी गवर्नमेंट को अब इस मामले पर कह रहे हैं कि जी हमने ये पैसे अपनी कंट्री में भेजने हैं लेकिन क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज है तो वो भेज नहीं सकते चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हो या अगेन एंड ऑफ द डे डॉलर्स तो चाहिए ना एंड ऑफ द डे वो पीकेआर आर कहा जाएगा पीकेआर दुनिया में और कौन एक्सेप्ट करता है तो अगेन uh, डॉलर होते तो चले वो तो कोई और कंट्री ले कल को कोई कहीं यूज कर लेंगे लेकिन पीकेआर वापस पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक्सचेंज होंगे ना पीकेआर आर तो और किसी कंट्री में नहीं चल सकता तो एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी हियर और ये कोई छोटी अमाउंट्स नहीं होती कि लाइक अ फ्यू रुपीज और uh, एक लाख दो लाख दस लाख है ये अरबों रुपए की अमाउंट होगी अगर एक फॉरेन बैंक है लेट्स सपोज स्टैंडर्ड चार्टर्ड है अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपना एक साल का प्रॉफिट भेजना है वापस लेट्स सपोज इट्स इन आई थिंक स्वीडिश है या यूरोपियन है एटलीस्ट तो वहां जब उसने अपने एक साल का अरबों रुपए का प्रॉफिट भेजना है तो आपके तो फॉरन एक्सचेंज के साथ पूरे डॉलर के रिजर्व सर्टन अमाउंट ऑफ डॉलर है प्रॉब्लम so और ये सिर्फ एक की एग्जांपल दे रहा हूँ आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं यू पी एन जी यूनियन लेवर इतनी सारी एमएनसीज हैं इन्होंने पैसे वापस लेकर जाने हैं तो दैट बिकम्स इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि इंडियंस ने इसमें बेटर किया था कि उन्होंने कहा कि आप हमारी फॉर्म्स के साथ ही कोलेबोशन uh, करके यहाँ काम कर सकते हैं तो एटलीस्ट वो जो प्रॉफिट यहाँ पर कमाया जाता है उसका कुछ पोर्शन वापस कंट्री में रह जाता है इन केसेस के अंदर क्योंकि ये सोलली फॉरेन कंपनीज हैं ये सारा प्रॉफिट वापस ले जाती हैं तो चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा आपकी एजेंसी है कहीं किसी कंट्री के अंदर तो भी वो एजेंसी के थ्रू आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो जाएगा या फिर आपने खुद अपनी सब्सिडी एस्टेब्लिश कर ली है तो उसके थ्रू भी आपके कैश का इनफ्लो ही आउटफ्लो एजेंसी के अंदर बेसिकली फ्रेंचाइजिंग ज्वाइंट वेंचर्स कोई लाइसेंसिंग जो है ये एजेंसी हो जाती है कि आप खुद वहां पर नहीं है आपने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया है तो आपका जो एजेंट है वो लाइसेंसी भी हो सकता है वो फ्रेंचाइजी भी हो सकता है वो जॉइंट वेंचर भी हो सकता है वो वहां से आपको सारे पैसे कन्वर्ट करके भेज देगा और सिमिलरली आपकी अपनी सब्सिडी तो वो वहां से कन्वर्ट करके भेज देगी ओके okay, सो so, uh, एक टेंट चीज ये एक्चुअली आई आई कैन मूव दिस एक इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि हम uh, जब इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करेंगे तो इसके अंदर और एक्विजिशंस भी आएंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन स्पेशली एक काम फाइनेंस का जो हमारा बेसिक काम है कोई जानता है कि फाइनेंस पूरा फील्ड किस एक बेसिक काम को करने के लिए डेवेलप हो ये क्या हमारा बेसिक काम है हम क्या करते हैं तो, प्राइसिंग किसी चीज की कीमत डिटरमिन करना पूरा फाइनेंस का डिसिप्लिन इस प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा है कि किसी चीज की कीमत क्या है और ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि इसी के आंसर अभी तक फाइनेंस ढूंढ रहा है और अभी तक हमें नहीं मिला एक चीज की क्या कीमत है तो फॉर एग्जांपल ट इज द प्राइस ऑफ दिस इतना ईजी नहीं है ना अब कॉस्ट लेट सपोज ये टेबल आज मैं आपको बनवा के दे सकता हूं इन लाइक फोर थाउजेंड रुपीज यूनिवर्सिटी ने यह टेबल खरीदा हो चले फोर नहीं फाइव कर लें इससे ज्यादा का नहीं है यूनिवर्सिटी ने यह टेबल खरीदा होगा रफली इन लाइक फोर्टी Easily. आप इंटरवुड के ऊपर जाकर इसकी प्राइस देख सकते हैं इससे मिलते जुलते किसी कहता uh, well, <laughs> uh, हूँ इसी क्वालिटी का बनवा देता हूँ तो 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 मैक्सिम कर लें 10 का बना हुआ मैक्सिमम लाइक वन बोर्ड टू बोर्ड देन हाफ हाफ ये बोर्ड हैं तो तकरीबन चार बोर्ड लगे हैं तीन चार हजार रुपये का बोर्ड होगा मैक्सिमम मुझे आज याद नहीं है क्या प्राइस होगी तो मे बी टेन ट्वेल्थ ओके ठीक है चलें एक रफ आइडिया लगाते हैं जी पंद्रह हजार का बना अब प्राइस कैसे डिटरमिन होगी जो एक्चुअल इशू उसकी तरफ है ना जरा प्राइस कैसे डिटरमिन होगी बना पंद्रह हजार का यूनिवर्सिटी ने खरीदा खरीदापोज पैंतीस चालीस हजार रुपए का अब इसकी प्राइस क्या है पंद्रह हजार या पैंतीस हजार देखा अच्छा ओके फाइन चले जी दे मुझे दोनों के मिडल की कॉस्ट और ये ले जाएं। तो फिर अब इसकी प्राइस ये नहीं हो सकती मिडल प्राइस भी नहीं हो सकती भाई अगर एक प्राइस के ऊपर मैं इसको बेच नहीं सकता वो इसकी प्राइस कैसे हो सकती है आपने खुद कजी इसके मिडल में मैंने कजी दें ले जाएं, अब ये भी देने को नहीं तैयार अभी अगर इसको मैं मार्केट ले जाऊं जाऊंगी तो ये कितने का बिक जाएगा अंदाजा तो देना कोई इसका बेचना नहीं है वैसे प्राइस जानना चाहता हूं ये जी हालत देखें थोड़ी बहुत ऐसे है थोड़ा सफाई होने वाली है तो लेट सपोज जी ये लेट सपोज पंद्रह हजार का बिक जाएगा ठीक है या चले जी लेट सेवनटीन थाउजेंड का बिक जाएगा ओके अब मैं कहता हूँ जी ये लें टेबल सेवनटीन थाउजेंड दें नहीं नहीं मैंने कहा था बिक जाएगा इसको तीन चार महीने लगेंगे यार ये कोई कोई लेने वाला आता है किसने अपने घर में ये टेबल रखना है इसका क्या करेंगे ये देखे ना इसके ऊपर ये पेंटिंग भी हुई इसके ऊपर बड़ी मेहनत लगनी है अभी ये ना साफ हुई फिर फिर देखे ना ये यहाँ से देखे भाई यहां पर ये मसला है यहां पर ये मसला है तो अगर आपने दे के जाना है तो तेरह में दे दें तो इसकी प्राइस क्या है तेरह सत्रह पंद्रह पैंतीस ये चीज समझाने की गुश कर फाइनेंस इस बात के ऊपर खड़ा है सारा डिसिप्लिन आखिर एक चीज की कीमत क्या है हम हर वक्त वैल्यू करें बिजनेस की क्या कीमत है इस वक्त उसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं जी इतनी डेप्रिसिएशन निकल गई लेकिन क्या वाकई उतनी डेप्रिसिएशन निकली है अब यूजुअली पहले साल में जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी अगर हम बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू उससे काफी कम निकलेगी लेकिन चार पांच साल बाद जब कई सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी अब अगर फर्म बेचने जाएंगे तो ज्यादा महंगी ही बिकेगी सस्ती ही नहीं बिकेगी एक मार्केट में प्राइसेस अप हो चुकी होंगी दूसरा आप डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर चुके होंगे अब तक सो वैल्यूएशन किसी चीज की वैल्यू कैसे की जाए हम एक कंपनी खरीदना चाहते हैं हमें उसे वैल्यू करना होगा भाई ये कितने में खरीदे मांगने तो कोई जैसे आजकल नहीं होता कि वो जी अच्छा जी आपने प्लॉट खरीदना है घर खरीदना है वो जी इतने करोड़ मांग रहा है यार मांगने को क्या करें मांगने को मैं भी यार मुझे इतने अरब दे दो भाई इसका जैसे कि वो एक एडवाइजर था फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रोफेसर था वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी था तो उससे किसी ने पूछा कि जी आप अपनी की फीस कितनी लेते हैं तो उसने कहा जी मैं हमेशा पांच हजार डॉलर लेता हूँ तो पांच हजार डॉलर इतनी ज्यादा तो कुछ देता भी है तो कुछ दे ना दे मैं पांच ही लेता हूँ कस्टमर मेरा कोई नहीं है बहुत ज्यादा फीस चार्ज रहा था ना मैं पांच लेता हूँ भाई सो दैट सो so, uh, हमें ये डिटरमिन करना है कि कंपनी की वैल्यू स्पेशली मसला कहां आता है मसला आता है जब आपने कंपनी वैल्यू करनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं उसके प्रॉफिट्स डिक्लेयर्ड हैं उसकी ज्यादातर चीजें डिक्लेयर्ड होती हैं थोड़ी बहुत चीजों के ऊपर आपको नेगोशिएशन करनी होती है और आप उसके ऊपर ड्यू इंटेलिजेंस कर लेते हैं थोड़ी सी लेकिन पीएलसी uh, के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए देर इज दिस प्रॉब्लम कि उसको वैल्यू कैसे किया जाए और स्पेशली एक एम को कैसे वैल्यू किया जाए उसकी तो सब्सिडरीज बहुत ज्यादा है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्राइसेस के अंदर तो इसके लिए सादा सा तरीका हम पहले फॉलो करते हैं कि वैल्यू करने के लिए सबसे पहली चीज एक डोमेस्टिक फॉर्म को कैसे वैल्यू किया जाएगा तो एमएनसी पे तो बाद में जाएंगे ना पहले ये देखेंगे डोमेस्टिक फॉर्म को कैसे वैल्यू किया जाएगा एनी अब इसका कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है आप कैसे वैल्यू करेंगे टाइम ना लगे हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं मार्केट में उसकी क्या है मार्केट में तो पता ही नहीं उस कंपनी के पास क्या है उसको पता ही नहीं कि भी इसकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं इसके, है, इसके पास ये है इसके पास ये है इतना रिटेन अर्निंग्स पड़ी हुई ये तो आपने पता करना है ना अब हाउ वुड यू डू दैट कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस दैट इज नाइस ओके हम जब भी शेयर मार्केट में खरीद रहे होते हैं ना ये मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अभी रिसेंटली बिटकॉइन काफी महंगा हुआ था ठीक है आ, वो क्या नाम है एलन मस्क ने उसके ऊपर कह दिया था कि जी हम टेस्ला के लिए या कहीं पर भी अपने लिए हम ये बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं साथ में बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हो रही थी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया तो कुछ लोग ना वो जैसे अब हुआ ना अपनी हाईएस्ट प्राइस पे गया कुछ लोग बड़े अमीर हो गए जिन्होंने पहले का लेकर रखा हुआ था अब इंटरव्यूज चल रहे हैं देखिए जी मैंने बिटकॉइन मेरे इतने इतने बन गए अब इतने ज्यादा पॉपुलर थे ये ये इंटरव्यूज क्योंकि आप देखें यूट्यूब की जो वो ऐप है जो वो उनका पीछे सॉफ्टवेयर है जो आपको सजेस्ट करता है कि ये वीडियो देखें वो बड़ा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है वो ए को यूज करते हुए टारगेट करता है कि हाँ जी ये लोग ये देखेंगे वो वाली ही वीडियो आपको ला शेयर करता है कम अज कम मुझे ही सिर्फ उसने 25-30 बार वो एक वीडियो थी कोई के किसी ने पाकिस्तानी कोई था उसने वो बिटकॉइन लिए हुए थे काफी सारे वो बहुत महंगे हो गए तो उसका कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ हुआ था मतलब वो इतना ज्यादा पाकिस्तान में देखा जा रहा था इतना पसंद किया जा रहा था मैंने कहा भाई मैंने नहीं देखना मुझे पता है अंदर क्या होगा इसको देख कर क्या करेंगे लोग ये भी पता है थिंग इज यू बाय वेन दार्केट इज सैड एंड यू सेल वेन दार्केट इज हैपी तो बाइंग का तो टाइम है ही नहीं बिटकॉइन ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री की हाईएस्ट प्राइस के ऊपर है इससे ऊपर क्या जाएगा अच्छा तोड़ देगा सिंपल एज दैट तो बाइंग का टाइम ही नहीं है मैं उसका इंटरव्यू देखिए क्या करूं लोगों ने वही इंटरव्यू जिस तरह के देख के यार इसमें बड़े पैसे बनते हैं भाई फॉरन जाके बिटकॉइन खरीद लो तो उससे प्राइस लो नहीं होती आपकी डिमांड जब होगी प्राइस वही रहेगी प्राइस लो कैसे हुई यू ऑलरेडी नो कि ये अपनी हाईएस्ट पीक पे इस वक्त इससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो ये स्टूपिडिटी है कि उस टाइम पे आप जाके बाय करें हमारे लोगों को नहीं पता होता ये इसमें फायदा नहीं फॉरन जाके बाय करते हैं हुआ ये कि ये जो क्योंकि ये करेंसी जो है ये स्पेकुलेटिव है कोई उसको बैक नहीं कर रहा कोई उसकी गारंटी नहीं दे रहा आ, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ बिटकॉइन पड़े हैं उनके वॉलेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते सिर्फ रोज खोलते हैं देखते हैं ओह इतने मिलियन मेरे बिटकॉइन पड़े हैं क्यों उसको अपना पासवर्ड भूल गए

वो वापस नीचे आ गया फिर चाइनीस गवर्नमेंट ने बिटकॉइन पे क्रैक डाउन कर दिया अपनी कंट्री के अंदर वो और नीचे आ गया फिर एक आधी करेंसी कोई थी जो आई थिंक इथेरियम इस तरह की कोई और करेंसी थी क्योंकि इसमें बहुत सारी बन चुकी हैं अब वो गिर गई एंड जिसने हाईएस्ट प्राइस के ऊपर बाय किया था उसका तो नुकसान हो गया ना मेक्स नो सेंस सो यू व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग जब आप कुछ चीज बाय कर रहे हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरी स्टोरी को सुनाने का मकसद पोटेंशियल yes, आप जब कोई चीज बाय करते हैं आप उसको उसके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर बाय करते हैं आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं देखते कि इसने पिछले साल कितने रिटर्न्स दिए थे डेफिनेटली वो एक इंडिकेशन है कि ये फ्यूचर में क्या रिटर्न दे सकती है फॉर्म आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं आप ये देखते हैं कि इसका फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल क्या है तो फ्यूचर कैश फ्लोज को देखा जाएगा तो व्हाट वी वुड डू इज कि हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ऑफ द एक्सपेक्टेड डॉलर कैश फ्लोज इन दी फ्यूचर फ्यूचर में यह क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आएंगे आपके पास अब ये डॉलर कैश फ्लोज क्या हैं? ये डॉलर कैश फ्लोज वो हैं कि जो फ्यूचर में उनके पास पैसे आएंगे जो मिनिमम फंड आ जाएंगे और उसमें से कोई भी फंड जो चाहिए टू पे सम एक्सपेंसेस और टैक्सेस, वो निकाल कर जो बच जाएंगे दैट वुड बी दी डॉलर कैश फ्लोज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि जो आपने पैसा लगा उसके बाद कम से कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए यूजुअली के से डिनोट करते हैं हम इसे अब अगर आपको एक एमएनसी को वैल्यू करना है तो कैसे करेंगे ये तो क्लियर है कि जी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज़ जो है आपके आपने उसको करना है वैल्यू दी डिफरेंस के एमएनसी के अंदर हर कंट्री के अंदर सिर्फ दो लाख को कुछ नहीं कर सके सो द ब्रिटिश और नेवर गोन गो इट वॉज दॉर अब वॉर ने बहुत सारी सिचुएशन चेंज कर दी Just then, let me share slides. तो, ने उस टाइम पर यह भी डिक्टेट करवाया कि जी ये ये होगा और ये भी डिक्टेट करवाया कि जी अब से गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहेगा करेंसी का अब से स्टैंडर्ड होगा डॉलर आप सब परेशान हो रहे हैं सब ओके okay. है ये टेम्परेरी बैन आज तक नहीं हटा क्यों क्योंकि उनके पास डॉलर के अगेंस्ट उतना गोल्ड है ही नहीं और ये था सिस्टम जिसने सारा कुछ बर्बाद किया सारी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद की ये जो आज पाकिस्तान जिस हा...